हेलो एवरीवन, आइए आगे बात करते हैं जीजी प्लॉट 2 के एडिशनल पैकेजेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जीजी प्लॉट अब काफ़ी पुराना हो गया है और इसके 100+ और भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। ऐसा ही एक पैकेज है, इसका नाम है जीजी पोल। जीजी पोल एक्चुअली बना है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो ये सोशल साइंस के डाटा को विजुलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मैंने देखा 17th लोकसभा इन इंडिया पार्लियामेंट, तो ये सीटों की इसकी कंपोजिशन है अलग अलग पार्टी की। तो इस तरह का अगर चार्ट बनाना हो तो जीजी पोल हमारा काफ़ी ठीक रहता है। तो मैंने यही इसी साइट से डाटा लिया और जिनकी 10 से ज़्यादा सीट्स हैं ये ले लिया डाटा और बाकियों को अदर्स में लिख दिया और ये एक्सेल के अंदर यहाँ डाटा डाल लिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसका नाम मैंने रखा है पार्लियामेंट। तो मैं सबसे पहले इसी फाइल को एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम एक्सेल। ये अवेलेबल है मेरे डाटा सेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट। ये ध्यान रखना है कि इनका फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है लिखते वक्त, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू जीजी पोल। रिक्वायर जीजी प्लॉट, जीजी पोल, अटैच पार्लियामेंट। तो अब यहाँ दो तरह के इसमें मेन चीज़ें हैं। पहला तो है अगर आपको आंक बाक बनाना है तो देख लीजिए जीजी पार्लियामेंट, ये तो सिंपल रहेगा ही जो फाइल का नाम है। फिर यहाँ पर एक नया आ गया जीजी आर्क बार, शेयर्स इज इक्वल टू सीट, R0 R5 दे दीजिए, फिल्स पार्टी और सेपरेटर 0.1, स्केल मैनुअल कलर से कर दीजिए और कोऑर्डिनेट फिक्स कर दीजिए। अगर कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं करेंगे ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। और अगर आपको पार्लियामेंट का दिखाना है तो ऐसा ही जियोम पार्लियामेंट है कि यहाँ पे, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये लगभग हमारा वैसा ही चार्ट आ गया जैसा यहाँ पे यूज़ किया गया है पार्लियामेंट के सीट्स का। ये हमेशा हाफ ऑफ द पाई आएगा या डोनट का हाफ आएगा, इसमें एक तरफ से शुरू होता है। ये कलर्स आप अपनी चॉइस के दे सकते हैं यहाँ पे, तो कलर्स जैसे मैंने यहाँ दिए हुए हैं आप अपनी चॉइस के दे लीजिए। और अगर आपको देखना हो कि कलर्स कितने अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप सिंपल लिखिए यहाँ पे कलर्स और ये उनके आपको नाम भी बता देगा। तो कुछ 657+ कलर्स हैं, आप इनमें से देख लीजिए। ये तो है एग्जैक्टली नाम, बाकी आप हैश कोड वो हेक्साडेसिमल से भी कलर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसकी हेल्प पढ़ें एक बारी जीजी प्लॉट में, पैकेजेस में जीजी पोल डाल के इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इसके बाकी के भी पैकेज आ जाते हैं जो आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। लगभग वही है, ये दो थोड़े इंटरेस्टिंग थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जीजी वर्ड क्लाउड। अब वर्ड क्लाउड तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पैकेज हैं ऑलरेडी, पर ये भी मदद कर देता है, यानी लोगों ने कहा कि इसमें भी काम करें। तो एक बार चेक कर लेते हैं जीजी क्लाउड। इसमें जीजी क्लाउड वैसे ही काम करता है जैसा हमारा जीजी प्लॉट 2 काम, वर्ड क्लाउड 2 काम करता है, यानी वर्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी निकालने के आपके पास दो तीन तरीके हैं। सबसे इजिएस्ट तो है रिक्वायर क्यू डैप, अगर ये इंस्टॉल हो जाए। ये टेक्स्ट एनालिटिक्स का सबसे मिस्टीरियस और सबसे पेचीदा पैकेज है ये, बहुत इसमें इश्यूज आते हैं। आपके पास जे टूल्स भी होना चाहिए, जावा का लेटेस्ट वर्जन भी होना चाहिए, आर स्टूडियो का भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, तो ये अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है। खैर, इनके अगर ये क्यूडेप आपका चल जाता है तो इसमें इजी ये है, एक हमारे पास फंक्शन है फ्रीक्वेंट टर्म्स। सो मैं एक फाइल चूज कर लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट फाइल। सो लेट मी ओपन टेक्स्ट फाइल, और यहाँ मेरे पास स्टोरीज हैं यहाँ पे स्टोरीज। सो थर्स्टी क्रो की स्टोरी पे काम करते हैं। एक्स एक्स हो गया फ्रीक्वेंट टर्म्स, और ये हमारी फ्रीक्वेंट टर्म्स आ गई है, दैट इज द इजिएस्ट। अगर ये नहीं काम करता है इन केस आपके पास क्यू डेप, तब हम आगे देखेंगे क्वेंटा पर, क्वेंटेडा, QUANTEDA, क्वेंटेडा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ टेक्सुअल डाटा, इस पे काम करेंगे। उसमें भी बहुत इजीली हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जीजी प्लॉट अभी एक्स एक्स के अंदर एक वर्ड है और एक फ्रीक्वेंसी है, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए दो चीज़ें। आप कैसे भी बना लीजिए, ये दो होने चाहिए हमारे पास। सो जीजी प्लॉट के अंदर एक्स एक्स जो फाइल का नाम है जिसमें सारे हैं, लेबल इज इक्वल टू वर्ड, साइज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, कॉल इज इक्वल टू वर्ड ताकि यही कलर उठा ले, और जियोम टेक्स्ट क्लाउड एरिया शेप इज इक्वल टू डायमंड, सॉरी
एंड स्केल साइज एरिया मैक्सिमम 24। तो इसको रन करके देखते हैं, वैसे ही आता है। तो ये डायमंड शेप में आ गया, आप इसके जगह सर्कल स्क्वायर वगैरह ये भी दे सकते हैं। कुछ इन्होंने अपना जो ट्यूटोरियल है जीजी वर्ड क्लाउड का, उसमें कुछ ये चीज़ें दी है, कुछ इन्होंने अपने डाटा फाइल दी है, लव स्मॉल वर्ड, लव वर्ड्स वगैरह, और उनके एग्जांपल दिए हैं। आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, पर मुझे फिर भी ये लगता है कि जो रूटीन वर्ड क्लाउड और वर्ड क्लाउड 2 हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं इस चीज़ के लिए। पर फिर भी एक गिवन था इसमें। एंड लास्ट है जीजी थीम्स। जीजी थीम्स फेस से एडिशनल थीम्स हैं। इट सीम्स बहुत लोग ऑब्सेस्ड हैं थीम्स को लेके। हम ये तीसरा डिस्कस कर रहे हैं थीम्स के बारे में। एक तो जीजी प्लॉट में है, फिर हमने कुछ और एडिशनल थीम्स डिस्कस किए थे। उस पैकेज का नाम था ऐड टू जीजी प्लॉट। तो ऐड टू जीजी प्लॉट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी बहुत सारे थीम्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा जीजी थीम्स। सो जीजी थीम्स के अंदर भी अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। तो ये इतने थीम्स हैं, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, हो सकता है किसी की कोई चॉइस का हो इनमें से। सो मैं एक पहले प्लॉट कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हाईवे माइलेज है, और कलर कोड है फॉर द डिफरेंट ड्राइविंग, फोर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील या रियर व्हील ड्राइव है। रिक्वायर जीजी थीम्स, और एक बार आप इसको क्विकली देखते जाइए। ये बेस है किसी एलसी कैल्क, ये क्लीन इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट वाइट, एक्सेल, एक्सेल न्यू, फ्यू, 538, ओके फैंटास्टिक, फाउंडेशन, जी डॉक्स, एच सी, आई ग्रे, मैप, पेंडर, पार, सोलराइज्ड, सोलराइज्ड 2, सॉलिड, स्टेटा, टफ, WSG, अमेजिंग। लोग बड़े ऑब्सेस्ड हैं थीम्स को लेके। तो बहुत तरह के थीम हैं, ये तीसरा पैकेज है जिसमें हम थीम्स डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। और भी बहुत सारे पैकेज हैं, पर अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फैंटास्टिक वाला पैकेज जो अपने आप में काफ़ी लंबा है। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।